नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज का जो ये विषय है वो विषय है कि यूपी टेट 2019 की तैयारी कैसे की जाए। देखिए यहाँ पर आप लोग मतलब काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ी जाए या कैसे पढ़ा जाए, कैसे तैयारी किया जाए। और बहुत से लोग तो भाई ये भी सर्च करते होंगे कि हाउ टू क्रैक यूपी टेट 2019, हाउ टू क्वालिफाई लाइक दैट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको सिर्फ से पढ़ना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहली बात, ठीक है, कि क्या पढ़ा जाए। तो देखिए यहां पर अगर हम इसकी बात कर लें भाई कि क्या पढ़ा जाए, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप कोई भी विषय, ठीक है, जैसे आप ईवीएस ले रहे हैं, ठीक है, संस्कृत ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, जो भी है, मतलब एक विषय की एक किताब रखिए, ठीक है, अच्छी किताब रखिए, और उस किताब को इतने अच्छे से पढ़िए कि कोई भी प्रश्न आए तो बचने ना पाए। ज़्यादा किताबें आप रखेंगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। आप चार पेज इसके पढ़ते हैं, चार पेज उसके पढ़ते हैं, आपका पूरा टाइम निकल जाता है, एग्ज़ाम भी हो जाता है, आप पूरी किताब कभी पढ़ नहीं पाते, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि एक सब्जेक्ट की एक बुक रखिए, उसको पूरा पढ़ डालिए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास समय बचता है, आपको वो कंठस्थ हो जाता है, अच्छे से आप पढ़ लेते हैं, तो आपको लगता है आप और कोई किताब ले लीजिए, उसी सब्जेक्ट की दूसरा प्रकाशन चुन लीजिए, उसको भी अच्छे से पढ़ डालिए। अब देखिए यहाँ पर अगर अब हम बात कर लें कि भाई कैसे पढ़ा जाए, चलिए इसके भी सेम थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो देखिए कैसे पढ़ने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के बताता हूँ भाई, ठीक है, अभी वहीं रहते हैं। देखिए अगर कैसे पढ़ने की बात करें दोस्त, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, जो मतलब मुझे लगता है आप टाइम टेबल जो अपना बनाएंगे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ना बनाएं, ठीक है। आप टाइम टेबल ऐसे बनाएं कि जैसे आपने ईवीएस सब्जेक्ट उठाया, आपके पास नोट्स है, आपने नोट्स लिया है या फिर बुक लिया, जो भी है, ठीक है, तो उसको कोशिश ये करिए आपकी एक दिन में या फिर 2 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लीजिए, 2 दिन में आप पूरी नोट्स या बुक को पढ़ डालिए। तो इस तरीके से आप 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट को आप कवर करेंगे 10 दिन में। हाँ ये है कि मैथ थोड़ा सा भाई, मैथ आप 2 दिन में हो सकता है ना कवर कर पाएँ, ठीक है, उसमें ज़्यादा समय लग जाए, तो मैथ को आप 3 दिन दे दीजिए, 4 दिन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए मैथ में भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, कुल मिला के 8 या 10 चैप्टर हैं, ठीक है, उन्हीं को अच्छे से पढ़ना होता है, उन्हीं से प्रश्न आ जाते हैं, पास होने भर के लिए अच्छे नंबर भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप 2 दिन या 3 दिन में एक सब्जेक्ट फिनिश करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 15 दिन में आप एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेंगे, और महीने में 2 बार हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब एग्ज़ाम तक में आप 4-5 बार 6 बार जब रिवाइज कर चुके होंगे, किसी प्रश्न को पढ़ चुके होंगे 4-6 बार 7 बार, तो जब कभी कंपटीशन में आप बैठेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी और आप अच्छे से पेपर दे पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई आगे कि अगर जैसे नोट्स की हम बात कर लें, ठीक है, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो यहाँ से, तो भाई देखिए कुछ ना कुछ तो आपको नोट्स के लिए भाई देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर जो नोट्स है अगर हम उसकी तुलना कर लें भाई, आप जैसे मान लीजिए कहीं कोचिंग करते हैं, ठीक है, तो कोचिंग करते हैं तो एटलीस्ट 1500 या 2000-2500 तो फीस आपकी हो ही जाएगी 2-3 महीने की। तो उसकी एवज में अगर आप नोट्स लेते हैं तो नोट्स तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा ना, और नोट्स में जो भी आपको मैटर मिलेगा ऑथेंटिक मैटर मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पिछली बार भी काफ़ी लोगों ने PDF लिया था और उनको अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छे नंबर उनके आए हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक विवेक जी ने कमेंट किया था, उनका मैं आपको दिखा देता हूँ कमेंट। देखिए ये विवेक जी ने कमेंट किया था, भाई थैंक्स, आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल थे 2018 में, जिसके वजह से 127 मार्क्स आए थे मेरे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब विवेक जी ने अपनी बात शेयर की, यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों के अच्छे नंबर आए हैं भाई, कुछ लोगों ने शेयर कर दिया, कुछ लोगों ने नहीं किया, ठीक है। तो 127 मार्क्स लाना बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगे आपके चैनल पर, देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो वर्तमान में आपको वीडियोस मिलेगी, ज़्यादातर तो मिलेगा आपको वन लाइनर या मॉक टेस्ट आपको मैं दे पाऊँगा,
बाकी चाइल्ड डेवलपमेंट के इतने सफिशियंट वीडियो पड़े हैं, यूँ कह लीजिए कि सभी सब्जेक्ट के इतने पर्याप्त वीडियो हैं, आप देखेंगे तो आप मतलब श्योर है कि अच्छे नंबर लाएंगे। देखिए ठीक है, और देखिए मुझे अभी याद आ रहा है, आज जस्ट एक महिला ने कॉल किया था और उन्होंने अपनी बात शेयर की कि भैया मैंने आपके PDF फाइल से ठीक है तो उन्होंने तैयारी की और हम बात कर लें, यहाँ पे तीन सब्जेक्ट का उन्होंने जिक्र किया था, AVS, उसके बाद हिंदी ठीक है, और उसके बाद जिक्र किया था उन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट का ठीक है, यानी बाल विकास का ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया इसमें उनके जो है कि सभी में 20+ नंबर आए थे ठीक है, यानी कि EVS में आई थिंक 24-25 ऐसे मारे थे ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 20 नंबर भी एक सब्जेक्ट में मार देते हैं तो भाई क्या होता है, 20-25 आप 100+ तो हो ही जाते हैं ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बात शेयर की थी, यहाँ पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ ठीक है। तो देखिए कुछ लोग कहते हैं कि नोट्स कैसे है, तो मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दिखा देता हूँ यहाँ पर, पिछली नोट्स तो वो तो है ही है ठीक है, बहुत सारा मैं नहीं दिखा पाऊँगा, NCERT नोट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि उससे भी क्वेश्चन कैसे फंसते हैं आपके। तो देखिए ये है NCERT के नोट्स है, ये मैंने 6th to 8th ठीक है, 8th क्लास का अभी तक प्रिपेयर कर लिया है ठीक है, बना लिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज रख दिया है आपके लिए ठीक है, और ये देखेंगे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स है, इन्हीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ट्रिक भी बना दिया है जहाँ पे पॉसिबल है, ये सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों को याद करने की ट्रिक है, बस बम पति शनि आवा ठीक है, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। अब देखिए यहाँ पर जो भी है मैंने समझाने की कोशिश की है कि इन चारों को जो ये इधर के हैं, इन चारों को आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं, और यहाँ पर बृहस्पति शनि अरुण वरुण इनको ब्रहा ग्रह कहते हैं, ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड ये आपका यूपीटेट 2016 में प्रश्न भी आया था ठीक है, पूछा गया था कि सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध है ठीक है। तो यहां पर आपको प्रश्न ऐसे आता है कि सूर्य से दूरी क्रम में तीसरा चौथा पांचवा, आपको ये ट्रिक याद रहेगी, बस पम पति शनि आवा 100% बता देंगे। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी मैंने नाम याद करने का दे दिया है अच्छा सा एक ट्रिक की, मूवी में जासन आप कभी भूलेंगे नहीं ठीक है। तो यम से यहाँ मरकरी है, वी से यहाँ वीनस है, ई से अर्थ है, एम से मार्स है, जे से जुपिटर, एस से आपका सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपच्यून है। तो ये देखिए मैं ट्रिक खुद बनाता हूँ ठीक है। और हाँ देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर आप इसके साथ साथ CK यूनिक एग्जाम ट्रिक्स ठीक है, तो ये भी आपका ही चैनल है यूनिक, तो इस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ट्रिकी वीडियो आपको काफ़ी मिल जाएंगे ठीक है, और कंटिन्यू वीडियो मिल रहे हैं जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में ठीक है। तो ये यूनिक एग्जाम ट्रिक्स है ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ, देखिए प्रश्न कहाँ से आपके बने थे, और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर भाई जो प्रश्न उठाए जाते हैं ऑथेंटिक बुक से ही उठाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं मैंने सब्जेक्ट वाइज बनाया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ बना दी है, यहाँ से देखिए इससे भी प्रश्न पूछा गया था, मकर रेखा है ऐसे प्रश्न आया था आपका यूपीटेट 2017 में ठीक है। तो ये मैंने मकर रेखा बनाया है 23/1/2 साउथ ठीक है, दक्षिण, तो यही पूछा गया था आपका। उसके साथ साथ देखिए और कई प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे इससे, तो ये देखिए ये भी आपका पूछा गया था कि गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया यूपीटेट 2016 में पूछा गया था। ये आप देख सकते हैं, ये भी पूछा गया था कि दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है, तो 2014 में पूछा गया था, ये मैंने ये दिया है ना किस तिथि को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, तो ये आपका 22 दिसंबर। तो ये चीजें आपको इस नोट्स में मिल जाएगी, ऑथेंटिक नोट्स है, इसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है ठीक है। अब देखिए यहां पर जिसे मैंने ट्रिक दे दिया है, बड़े से छोटे के क्रम में याद करने की ट्रिक है, किसको आपका ये क्या कहते हैं महाद्वीपों को ठीक है। तो एस का रंग फीका, नासा ने आंटी को यूरोप के कंगारू संग देखा, तो एस का मतलब एशिया, फीका का मतलब अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, सात से साउथ अमेरिका, आंटी अंटार्कटिका, यूरोप यूरोप, कंगारू मतलब ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीरियल से हैं, पूछा जाता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, दूसरा तीसरा, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रहेगा ठीक है। तो ये चीज़ें हैं भैया आपको, ये ऑथेंटिक्स, ये भी देखिए मैंने यहाँ ट्रिक बनाई है, चलिए ये सब चीज़ें तो आप देख लीजिएगा, ये अच्छे से मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है इन सब चीज़ों का ठीक है। तो ये जैसे अब है हिंद महासागर, हिंद महासागर के भाई उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका, और यहाँ पे आपका हो जाएगा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, बहुत ज़्यादा तो दिखा नहीं सकते क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ठीक है।
तो ये सारी भी आपकी है जो नोट्स हैं, और हाँ ये मैंने हैंड रिटन किया है और कोशिश मैं करूँगा कि आगे इसको मैं टाइप कर दूँ। ठीक है, टाइप करने में थोड़ा क्या होता है, पेजेस कम हो जाते हैं, ठीक है, उसमें फॉन्ट को छोटा कर दिया जाता है। तो देखिए ये आपका भाई यहाँ पे ये, ठीक है, कक्षा 6 की समाप्त हो गई, यहाँ से कक्षा 7 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कक्षा 7 का है, कक्षा 8 का भी आपको दिखा देते हैं भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी। देखिए इससे भी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, ये जो मैंने बनाया है इस पर पूछा गया था आपका, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है लगभग, तो ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था यूपीटेट 2011 में। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑक्सीजन पूछा जा रहा है, तो ये देखिए मैंने ऑक्सीजन को यहाँ ऐसे बनाया है, ठीक, 21% है। ठीक है, और ये देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया था आपका यूपीटेट 2018 में। देखिए यहाँ पर ये एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है वो मैंने देख के यहाँ पे रख दिया। अब देखिए ये मैंने इसकी ट्रिक बनाई है बढ़िया सा आसाम, अब ठीक है, अधोमंडल समतामंडल मध्यमंडल बहिर्मंडल, ठीक है, इंग्लिश में भी इसका मैंने ट्रिक दिया है। देखिए इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, ये इससे संबंधित प्रश्न यूपीटेट 2013 में आया था, ये भी 2013 में आया था। ठीक है, तो ये इस टाइप से यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था 2017 में, ठीक है, और यहाँ पर 2011 में प्रश्न इससे संबंधित ये पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए रख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा समझने में मदद मिले कि वास्तव में प्रश्न आते कहाँ से, है ना, पूछे कहाँ से जाते हैं, तो ये आपको समझने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है, ये आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और वीडियो के रूप में भी आपको मिल जाएगा। और हाँ एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब भाई ऐसा, मतलब एक लोगों ने कहा था कि ये सारी चीज़ें तो जब वीडियो में मिल रही है तो पीडीएफ की क्या ज़रूरत है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप लेना चाहें तो लें, ना लेना चाहें तो ना लें, चूँकि अब मैटर में बना रहा हूँ तो भाई अपलोड तो करूँगा ही करूँगा। ठीक है, इसीलिए इतनी मेहनत की जा रही है जिससे आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए फिलहाल ये आपने बहुत देख लिया, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे, नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा जा रहा है। ठीक, चलिए इतना काफ़ी है। अब देखिए ये हिंदी की नोट्स है, ठीक है, हिंदी की नोट्स में पूरा कवर किया गया है, ठीक है, ये देखिए आप, ठीक है, बाई ब्रजेंद्र सर ये तैयार किया गया है और इसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, पूरा ग्रामर मिल जाएगा ये, तो चलिए अब इसको ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देखिए भाई प्रसिद्ध पुस्तकें व लेखक से संबंधित मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा कलेक्शन दे दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, तो इसमें आई थिंक 100+ मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं शायद, और आगे भी मैं अपडेट करता रहूँगा। देखिए जो अपडेशन होगा मैं समय समय पे आपको उपलब्ध कराता रहूँगा, ठीक है, फ्री फाइल आपको मिलती रहेगी। ये यहाँ पर इस पार्ट में आपका वर्णमाला संधि समास ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखिए यहाँ पर आपको SCERT बेस पर, ठीक है, आपको इन्वायरमेंट की प्रश्नोत्तरी भी मिल जाएगी जो कि हैंड रिटन नोट्स है, अच्छी नोट्स है, ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपको मिल जाएंगी। ये आपकी हिंदी की देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है, ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे 24 पेज में है, ठीक है, जो भी है मैं अपडेट करता रहूँगा, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और वीडियो के रूप में तो आपको मिलता ही है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने भाई नोट्स काफ़ी देख लिए हैं तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी आप लोगों को शायद पता चला होगा कि अब आने वाले इन फ्यूचर में टेट के मार्क्स भी जोड़े जा सकते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया, आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। और हाँ, जो लोग नोट्स लेना चाहते हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, आपको ये कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ पर जो भी आप नोट्स का थोड़ा बहुत, ठीक है, पे कर रहे हैं तो आप उसको एक, मतलब एक भाई मेहनत किया जा रहा है तो इसके लिए थोड़ा बहुत लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अब अकेले बस में नहीं तो हमें टीम के साथ ये सब काम करवाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पे नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते कि भैया हम लुट गए, ठीक है, क्योंकि लुटने का मतलब होता है आपका घर बार सब खत्म हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर आपसे घर बार आपका नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है, एक नॉर्मल चार्जेस होंगे। और हाँ, आप ट्रस्ट करिए और कोशिश तो भाई हमारी यही रहेगी कि अच्छे से अच्छे मैटर आपको दिए जाए, ठीक है, बाकी तो फिर देखा जाएगा समय के अनुसार जो भी होता है, ठीक है। और चलिए फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, और कोई कमेंट हो, मतलब कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वंस अगेन थैंक यू।